13 फरवरी 2017 ये वो दिन था जब वतन दुश्मन अनासिर ने सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर को अपना हदफ बनाया, मॉल रोड पर जारी एहतजाजी धरने पर खुदकुश हमला किया, जिसकी जद में आकर डीआईजी ट्रैफिक सैयद अहमद मुबीन, एसएसपी ऑपरेशंस लाहौर जाहिद महमूद गोंदल समेत 7 पुलिस अफसरान और अहलकार शहीद हुए। वाकया में 7 शहरी भी जां बहक जबकि 100 से जायद जख्मी हो गए। इस अफसोसनाक वाकया को 2 साल बीत गए, जाने वाले तो जहाने फानी से रुखसत हो गए मगर उनकी यादें आज भी जिंदा हैं। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लियाकत अली मलिक का कहना है कि दुश्मन की तखरीबी कार्रवाइयां रोकने के लिए वो हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। हम कौम को ये यकीन दिलाते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में भी हम किसी किस्म की कुर्बानी से गुरेज नहीं करेंगे और उनकी इज्जत जान माल के तहफ्फुज़ के लिए इंशाल्लाह हम हर वक्त मौजूद रहेंगे। शहीद पुलिस अफसरान की कुर्बानियों को खिराजे अकीदत पेश करते हुए लाहौर पुलिस के फैसिलिटेशन सेंटर को शहीद एसएसपी जाहिद महमूद गोंदल, जबकि गुलबर्ग के नए तामीर करदा अंडरपास और ट्रैफिक पुलिस के मनावा ट्रेनिंग स्कूल को डीआईजी सैयद अहमद मुबीन के नाम से मंसूब किया गया।